हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑन डिजिटल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि सीएससी का नया कॉमन न्यू ब्रांडिंग बैनर आ गया है दोस्तों, जो कि आप सभी बीएलई को अपने सीएससी सेंटर में से लगाना होगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि सीएससी कॉमन न्यू ब्रांडिंग बैनर जो आया हुआ है, इस बैनर को आपको कहाँ से डाउनलोड करना है और इसमें आपको क्या क्या लिखवाना है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है फ्रेंड, चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल नोटिफिकेशन है उसे जरूर दबा दीजिए, ताकि सीएससी से जुड़ी जब मैं कोई नया टॉपिक पर वीडियो पोस्ट करूँगा सबसे पहले इसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इसी के साथ मैं आप सभी को बता दूँ कि इस चैनल पर बहुत सारे प्लेलिस्ट बनाए गए हैं, जिसमें सीएससी में जो भी आप काम कर रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट से रिलेटेड स्कीम हो या फिर नॉन गवर्नमेंट से रिलेटेड स्कीम हो, सभी कामों का ऑनलाइन कैसे अप्लाई किया जाता है, तो पहले आपको इस चैनल पर अपडेट देने की कोशिश रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीएससी कॉमन ब्रांडिंग का जो बैनर आया हुआ है, इसको कैसे डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर मैं लिंक दे दिया हूँ। जैसे आप क्लिक करते हैं सीधे पहुँच जाएंगे आप इस बैनर पे और आप आसानी से इसे डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपको बता दूँ कि इसमें कुछ डिटेल लिखवाना होगा, जैसे आपका सीएससी का आईडी, इसके बाद आपका सीएससी सेंटर का नाम, इसके अलावा आपका सीएससी सेंटर कहाँ है, पूरा एड्रेस, और ये बैनर दोस्तों आपको प्रिंट आउट करवाना होगा। फिर दोस्तों आप अपने सीएससी सेंटर में इसे लगाएंगे। फोटो लेने के बाद आपको इसका रिपोर्ट सबमिट करना होगा। कहाँ पर फोटो लेने के बाद रिपोर्ट सबमिट करना होगा, चलिए हम जान लेते हैं। उससे पहले हम बात करते हैं इस बैनर की बात, तो आप देख सकते हैं कि ये बैनर बहुत ही अच्छा से बनाया गया है, जिसे दोस्तों हाईलाइट किया गया है कि सीएससी के अंदर में आपको कौन कौन सा काम करने को मिल रहा है, कौन कौन सा काम चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो बैनर है दोस्तों बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है, तो आप अपने सीएससी सेंटर के बाहर में और साथ ही भीतर में इसे आप जरूर लगाइए। चलिए फ्रेंड्स, अभी बात करते हैं कि ये बैनर आप जैसे ही लगा लेंगे अपने सीएससी सेंटर में, उसके बाद इसका फोटो लेकर के आपको कैसे रिपोर्ट भेजना है, इसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर मैं लिंक दे दिया हूँ। एक गूगल फॉर्म आएगा, इस फॉर्म को फिलअप कर देना है। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। सबसे पहले वीएलई का नाम, जो भी आप वीएलई हैं वीएलई का नाम लिखेंगे, अपना सीएससी आईडी लिखेंगे। आप झारखंड राज्य के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, आप इसमें रिपोर्ट सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट दिया गया है, आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिएगा। सीएससी के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इंटर कीजिएगा, अपना ईमेल आईडी इंटर कीजिएगा और यहाँ पर दोस्तों बैनर टाइप आप सेलेक्ट करके नीचे आपको अपलोड करना होगा जो भी आप फोटो लेंगे। फोटो अपलोड करने के बाद सबमिट कर दीजिए, सक्सेसफुली आपका रिपोर्ट चला जाएगा। आई होप कि आप सभी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल हुआ होगा और आपको पता चल गया है कि सीएससी का न्यू कॉमन ब्रांडिंग का जो बैनर आया हुआ है वो कैसा है और इस बैनर को अपने सीएससी सेंटर में आप कैसे लगाएंगे। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।